जो एनजीओ की यार्ड में अपना गोरख धंधा चलाते हैं। एक और अहम खबर की बात करेंगे इंदौर से। हनी ट्रैप मामले में आज सुनवाई हो सकती है, आज सुनवाई है और जनहित याचिका पर यह सुनवाई हो सकती है। हाईकोर्ट सरकार को नोटिस जारी कर सकती है और जवाब भी मांग सकती है। तो हनी ट्रैप मामले की बात यहां पर की जा रही है और सरकार को नोटिस जारी कर आज जवाब मांग सकती है हाईकोर्ट। हनी ट्रैप मामला जिसने काफी कुछ हलचल मचा रखी है मध्य प्रदेश की राजनीति में, कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, अधिकारियों के आईएएस आईपीएस के साथ साथ पत्रकारों के भी नाम इसमें सामने आए और तमाम बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया। एक दूसरे पर निशाना साधने का भी पूरा मामला इस वक्त देखने को मिल रहा है। फिलहाल कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है और आज कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है, संभव है हनी ट्रैप मामले में। आदित्य सिंह इंदौर से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। आदित्य, आज क्या कुछ सुनवाई हो सकती है हाईकोर्ट में? देखिए, इस पूरे मामले में एक जनहित याचिका इंदौर उच्च न्यायालय खंडपीठ में लगाई गई थी, जो दिग्विजय सिंह द्वारा लगाई गई थी। इस याचिका के अंदर जो है सीबीआई जांच की मांग की गई थी, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि पिछले 24 घंटों के अंदर दो एसआईटी प्रमुख को बदल दिया गया। पहले इस पूरी एसआईटी की कमान श्रीनिवास वर्मा के हाथ में थी और अब उसे अचानक बदलकर संजीव शमी को सौंप दिया गया और यही मुद्दा जो है हाईकोर्ट में इस जो शुरुआत में लगी थी, जो दो दिन पहले जो याचिका लगी थी जनहित याचिका, उसमें पहले ही इस मामले को उठाया गया था, क्योंकि मामले में बहुत सारे नौकरशाह और इसके अलावा राजनेता शामिल हैं, लिहाजा जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए जांच सीबीआई से कराई जाए। इसके अलावा जो है इस पूरे मामले को एक नया मोड़ बताते हुए कहा गया था कि इस पूरे मामले में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके तहत कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इसमें राजनेताओं के नाम, इसमें अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, उन्होंने ब्लैकमेल होने के एवज में जो पैसे दिए हैं वो पैसे उन्होंने भ्रष्टाचार करके चुकाए हैं। लिहाजा ये पूरा मामला भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13D में भी बनता है। इस पूरे मामले को लेकर एक जनहित याचिका इंदौर उच्च न्यायालय खंडपीठ में प्रस्तुत की गई थी, जिसको प्रायर हियरिंग के लिए यानी कि जल्द सुनवाई के लिए रखा गया था। संभवतः आज उस मामले में इसकी जल्द सुनवाई हो सकती है और इसमें कोर्ट जो है वो अलग अलग विभाग, तकरीबन इसमें पांच विभाग बनाया गया, जिसमें भारत सरकार से लेकर मध्य प्रदेश सरकार और अलग अलग जांच एजेंसियों को इसमें पार्टी बनाया गया और उनसे जवाब मांगने की कोशिश की गई। तो संभवतः इस याचिका पर आज कोर्ट जवाब तलब कर सकता है। ठीक है, शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं।